क्या है यहाँ पर? नहीं सर, मैंने देखा था यहाँ कोई था, मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब। मंजू, मैं भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं सर, एक छोटा सा बच्चा था यहाँ पे। बच्चा? मंजू, तुम्हें पता है कि इस घर में मैं अकेला रहता हूँ? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची यहाँ बच्चा था। अच्छा, नहीं पीछे का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया? देखा, मैंने पहले ही कहा था, जरूर पीछे का दरवाजा खुला रह गया होगा। वो लड़का जरूर यहीं से अंदर आया होगा। किचन का काम छोड़कर बाथरूम की तरफ क्या करने गई थी? वो सब दूसरे बर्तन में दाल डाल रही थी और बर्तन टूट गया। बर्तन टूट गया? इस महीने तुमने चौथी बार बर्तन तोड़ा है। सब जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से टूट गया। गलती से टूट गया? इस बर्तन का पैसा तुम्हारी पगार में से काटूंगा, तब पता चलेगा गलती कैसे होती है। ठीक है, तुम जाओ अब। पर साहब, वो मैं देख लूंगा। जाओ। से काम कर दिया, फिर भी भरोसा नहीं है इस आदमी को मेरे पे। अरे बर्तन ही टूटा था ना, पगार काटने की काई जरूरत थी इसको? स्वतःला काई समझ तो महित नहीं, खड़ूस कहीं का। अगर ए मंजू, काय झालं? अगर काई नहीं गो, वो मेरा साहब है ना, जब देखो किट 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 करता रहता है। आता काय झालं? अगर काय नाही ग, वो उसका बर्तन काय म्हणतात त्याला, बाउल, वो बाउल मेरा हाथ से टूटा। वो इसने बोला कि मेरे पगार में से पैसा काटेगा। अगं भाई, तू बघ आता गौरी, मी त्याला ना सोडणार नाही। कैसे है ना उसका पोल पट्टी निकालती हूँ बाहर, तू देख। पोल पट्टी मतलब क्या जानती है रे? अरे वो घर में अकेला नहीं रहता, उसके घर में और कोई भी है। क्या बोल रही है तू? मैंने उसके घर पे एक छोटा बच्चा देखा। बच्चा? और नहीं तो क्या, वो तो अकेला चलता है ना उस घर में, है ना। मेरे को बहुत डर लगता है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है वहाँ पे। मेरे को तो लगता है इस घर में जरूर कुछ चल रहा है। हमको है ना उसके बारे में पता करना होगा, और उस बच्चे के बारे में भी। क्या? ठीक है, चल अभी पूछते हैं उसको। चल चल, चल। अगर थाम के घुटे टाल लिए। हाँ? जब भी देखो घोड़े पे सवार रहती है। फिर नहीं तो क्या? अरे साहब घर में रहेंगे ना अभी? अरे तो कल जाते। हाँ? नहीं नहीं, कल नहीं, कल मेरे को ना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। एक काम करते हैं, हम लोग परसों जाते हैं। परसों में आते हैं ना तो सब मिलते हैं और उधर जाते हैं और उस बच्चे के बारे में खोजते हैं। ठीक है? ठीक है, परसों फिक्स है। हाँ? उसको जाके पूछते चल। हाँ? चल गा, चल। ठीक है, चल चलो। अरे एक और बार बजाना। मंजू, अगर ए मंजू, दरवाजा खोल। ये क्या, हम लोग को बुला के दरवाजा नहीं खोल रही है? ए देवा, भाई मंजू के साथ तो कुछ हो तो नहीं गया? काय बोलते इसको तू? ए सीमा, मंजू ने बोला था इस घर की चाबी ना वो बगल वाली भाभी के पास रख के जाती है। हाँ? चल देखते हैं। चला गया, लौकर लौकर। नमस्ते। नायक, वो मंजू विशाल साहब के घर की चाबी रख के गई है ना? मुझे तो पता नहीं, रुको पूछता हूँ। शोना, ए शोना, शोना क्या हुआ डार्लिंग? शोना ये सब पूछ रहे हैं, मंजू आई है क्या? वो आई थी क्या? नहीं आई। तुमने इनको बताया नहीं? नहीं आई। भाभी जी तुम झूठ बोल रही है। झूठ? मैंने देखा था वो इधर आई है। मैं और झूठ? अगर भाभी जी, मंजू ने आज हम सबको विशाल साहब के यहाँ बुलाया था, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है, हम लोग को चिंता हो रही है। तो उसने छुट्टी ले ली होगी? ओ भाभी, मंजू कभी छुट्टी नहीं लेती थी। मैंने
खुद देखा था वो इधर आई है। देखो वो बात सब छोड़ दो, विशाल साहब के घर की चाबी दे दो मेरे को। हाँ दे दो दे दो। लेकिन मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ मैडम, बच्चा उसे ही तो ढूंढने के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे। देखिए हमने पूरा घर चेक किया है, हमें कोई नहीं मिला है। घर का सामान देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ कोई बच्चा रहता होगा। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम, मंजू ने अपनी आंखों से इस घर में बच्चों को देखा था। हाँ पूरी कोई लड़की ही लगती है। हो सकता है विजीत, पूरी कोई लड़की हो सकती है। मानसी कौन है? सर विशाल जी की बीवी। विशाल जी तो अकेले ही रहते थे ना? सर छोड़कर चली गई थी ना, जब भी आती थी ना सर दोनों में खूब झगड़ा होता था। वैसे तो वो दिन रात बाहर ही रहती थी, है ना सोना? हाँ सोना। रेडी एक काम करो, किचन में जाकर के कुछ चम्मच कढ़ाई कड़छी लेकर के आ जाओ। भाभी जी जरा एक ग्लास पानी मिलेगा? जी नहीं नहीं यहाँ से नहीं, ये तो क्राइम सीन है ना, अपने घर से ले आएंगे प्लीज। थैंक यू। वेलकम, है ना शोना? हाँ शोना। फिर से चोरी, सुधरेगा नहीं तू? ए भाई साहब चोरी नहीं कर रहा हूँ, आपका काम आसान कर रहा हूँ, सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। अरे मालूम है यार तेरा दिमाग काम करने लगा है। क्या क्या अभी थोड़ी कर रहा है, हमेशा से करता है। अरे हाँ हाँ पता है। सर, सर वो तीनों भाइयाँ एक ही बात कह रही है कि इस घर में एक बच्चा था जिसे मंजू ने देखा था। और सर मंजू गायब है। विशाल के घर से हम लोग जो ये बर्तन लेकर के आए थे, इन बर्तनों पर लगे हुए उंगलियों के निशान इस चाकू पर लगे हुए उंगलियों के निशान से मैच होते हैं जिससे विशाल का खून हुआ। बस विशाल के घर की किचन में सिर्फ मंजू का ही आना जाना था। मतलब खून मंजू ने किया है? बिल्कुल खून मंजू ने किया, लेकिन मंजू के साथ एक और आदमी भी था। कौन कौन था? आइए आइए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये टाइम है आपके आने का। वो सर एक्चुअली बाहर है ना। अरे बाहर बारिश बहुत है सर, ऑटो टैक्सी आसानी से मिलती नहीं है। ऐसे में बेचारी तारिका जी इतनी मुसीबत से यहाँ पर आई हैं और आप उन्हें डांट रहे हैं? ओ अच्छा अच्छा, तो आपको तारिका जी से इतनी हमदर्दी है तो आप एक काम कीजिए, तारिका को लाने ले जाने की जिम्मेदारी ले लीजिए ना। हाँ आप कह दें तो कर देंगे ये भी। छे, शकल देखो इनकी। क्या सर उनके मंजू के साथ जो आदमी था उसके बारे में बता। मंजू के साथ जो दूसरा आदमी खून में शामिल था उस आदमी का रंग गोरा हो, मतलब उसकी स्किन फेयर होगी। डॉक्टर साहब आपको ये कैसे पता चला कि वो आदमी गोरा था या काला था? विशाल के उंगलियों के नाखूनों में मुझे चमड़ी का टुकड़ा मिला है, उस चमड़ी के टुकड़े का रंग साफ। जब विशाल ने उस आदमी को खरोंचा होगा तो चमड़ी का टुकड़ा उसके नाखूनों में आया होगा, इसका मतलब खूनी का रंग साफ। सर उनके खून कितने बजे हुआ होगा? रात को लगभग 10 बजे। रात को 10 बजे के आसपास? तो फिर खून होने के बाद मंजू और वो आदमी कैसे होंगे? अरे सुनो भाई साहब। हाँ साहब। कल रात आपने यहाँ पे किसी ऐसी औरत को देखा जिसकी हाइट करीबन 5-5.25 फीट रही होगी और साड़ी पहनी थी उसने? रात 10-10 बजे की बात है, उसके साथ में एक बच्चा भी था। औरत बच्चा
हाँ याद आया साहब, एक औरत को मैंने छोड़ा तो था, वो इस गली से बाहर आई थी और मेरे ही ऑटो में बैठी थी, लेकिन तब बच्चा नहीं था उसके पास, बच्चा किसी आदमी के साथ बैठा था दूसरे ऑटो में। आदमी? वो देखने में गोरा था क्या? साहब आप इतना याद नहीं मुझे। उस औरत को छोड़ा कहाँ पे था तुमने? साहब उस औरत को काली नगर जाना था और मैंने उसे वहीं उतार दिया था। ठीक है, काम करो, जहाँ पे तुमने उस औरत को छोड़ा था ना, हमें वहाँ पहुँचा दो, ठीक है? चलिए साहब। साहब यहीं पे छोड़ा था मैंने उसको और वो यहीं से आगे गई थी। Excuse me? हाँ साहब। आप किसी मंजू नाम की औरत को जानती हैं? दूसरों के घरों में काम करती और कल रात यहाँ पे 10:30 बजे आई है किसी ऑटो में। मंजू? हाँ। मंजू को तो जानते ना मैं साहब, कल आई थी इधर, दिन में आई थी। दिन में? हाँ साहब, वो दिन में उर्मिला को मिलने आई थी और साहब उर्मिला कल रात को आई थी। जिसे हम मंजू समझ रहे हैं कहीं वो उर्मिला तो नहीं? उर्मिला आप कहाँ रहती है आप जानते हैं? उर्मिला ये के सब मेरे सामने रहती है। मंजू और उर्मिला एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती है साहब। वो उर्मिला है ना आजकल बहुत परेशान रहती है अपने बच्चे के लिए। क्यों, क्या हुआ उसके बच्चे को? वो उसका बच्चा राजू है ना, कई दिनों से गायब है साहब। ये इनके घर पे ताला लगा हुआ है, कहाँ गई है? वो मेरे को नहीं मालूम है साहब। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। इस विशाल के घर पे फिर से जाते हैं। ठीक है आप रेडी? तुमको और श्रेया को जरा काली नगर आना होगा अभी। अगर बच्चा यहाँ पे था तो गायब कहाँ हो गया? पूरा घर छान मारते हैं। विशाल ने अपने घर के अंदर ये खुफिया बेसमेंट क्यों बनवाया होगा? सर ये देखिए, यहाँ पर तो बच्चों के खिलौने और कपड़े भी हैं। बच्ची के कपड़े? ये देखो। सर लेकिन बच्चों को यहाँ किस लिए रखा गया होगा, वो भी इस तरह छुपा कर? मानसी, विशाल की पत्नी, उसे जरूर पता होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। वाओ, ओह माय गॉड, सर क्या स्किन है आपकी, आई मीन कितनी ग्लो कर रही है। वैसे आपको ब्यूटी टिप्स की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी स्किन को और भी ज्यादा सुंदर बना सकती हूँ। बस एक बार आपको मुझसे फेशियल करवाना पड़ेगा। आप कौन है? मैं मानसी, मानसी ब्यूटिशियन, विशाल की वाइफ। अच्छा, आप लोगों ने तो मुझे कॉल करके बुलाया था। देखिए आप ये ब्यूटी टिप्स बाद में दीजिएगा। यू नो व्हाट, मैं आपको एक हफ्ते में गोरा बना सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं और हैंडसम बनने के लिए क्या कर सकता हूँ? सॉरी, आपका कुछ नहीं हो सकता।
हमने आपको यहाँ पे ब्यूटी टिप्स देने के लिए नहीं बुलाया। आपके पति विशाल अपने घर के बेसमेंट में बच्चों को क्यों रखते थे? What? कौन सा बेसमेंट? कौन सा बच्चे? आप और विशाल जिस घर में रहते थे वहाँ पे हमें एक सीक्रेट बेसमेंट मिला है जहाँ पे वो बच्चों को छुपा के रखता था। Really? लेकिन सर उस घर में मैंने आज तक किसी कोई बेसमेंट को नहीं देखा। ये बच्चों के बारे में तो मैं पहली बार सुन रही। रहा सवाल विशाल का तो वो तो एक नंबर का घटिया इंसान है। घटिया? So you know what? विशाल बहुत पैसे कमाता था लेकिन मेरे से और किसी को भी नहीं पता कि वो इतने सारे पैसे कहां से लाता था। कहां से लाता था? सर बताया विशाल ना होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में घूमता था वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ और ढेर सारा पैसा लाता था। छी अच्छा और इसी वजह से मैं उसे डिवोर्स देना चाहती थी और सबूत इकट्ठा करने के लिए मैं उसके पीछे पीछे भी घूमती थी। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत है ना? ये बच्चों को बेसमेंट में छुपा के रखना और इस विशाल का अलग अलग लड़कियों से मिलना, करता क्या होगा ये विशाल? ओ भाई साहब, पालक ले लो, पालक पालक ले लो भाई साहब। बहुत रात हो गई श्रेया, मुझे तो नींद आ रही है। ठीक है सर, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हे भगवान, कब उर्मिला आएगी? इन मच्छरों से कब छुटकारा मिलेगा? में सुनो जरा। जी साहब। ये फोटो देखो, इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब, ये लड़की अक्सर यहाँ आती रहती है। आज आई है? आज सर, वो देखो आ रही है। अरे आप लोगों को दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ पर पहले से बैठी हूँ। देखिए यहाँ पर काफी जगह है, आप कहीं और जाके बैठ जाइए। हम लोग बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। चुपचाप बैठी रहे वरना। वरना क्या? CID। समझदार। हाँ सर, मैं विशाल के लिए काम करती थी। कैसा काम? सर वो विशाल बच्चों की खरीद फरोख करता था। मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते थे तुम सब? हाँ जी सर। पूरी बात बताओ। सर वो हम तीन लड़कियां हैं, पहले हम घूम घूम कर पता करते हैं। क्या क्या पता करते हैं? हम अलग अलग जगह जाकर छोटे छोटे बच्चों पर नजर रखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं। अगर उनके माँ बाप गरीब हुए तो हम उन्हें पैसे देके उनके बच्चे खरीद लेते हैं, और ज्यादातर हम बच्चों को किडनैप करते हैं, फिर उन बच्चों को विशाल को सौंप देते हैं। सर ये तुम्हारे चेहरे का नक्शा इसी चक्कर में बिगड़ा? जी मैडम, वो कुछ टाइम पहले काली नगर चौक से एक बच्चा उठाया था। जिसका बच्चा था उस औरत को मुझ पर शक हो गया। उसने चिल्ला चिल्ला कर सारे चौल वालों को इकट्ठा कर लिया और विशाल के अलावा और कौन कौन शामिल है इसमें? सर वो अमित। अमित कौन? कौन अमित? अमित हमारे साथ इस धंधे में काफी समय से है।
कहाँ मिले गई है? मुझे उसका घर तो नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे मिलने के लिए आदर्श नगर बुलाता है। और हाँ सर, वो अक्सर सफेद रंग की गाड़ी से आता है। सफेद का नंबर याद है? मुझे नंबर तो याद नहीं है। नंबर याद नहीं है, उसके बारे में कुछ बताओ, कैसा दिखता है? जी हाँ सर, अमित देखने में गोरा है, दुबला पतला सा है। गोरा? स्केच बनवाओ उसका सर। भाजी ले लो, भाजी ले लो। पालक 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 बिस्कुट 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 पालक पालक अच्छा ये उर्मिला उर्मिला हाँ कविता, कहाँ थी रात भर तू? मैं बाद में बताती हूँ। अरे मेरी सुन तो पहले। कविता मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बताती हूँ बाद में। बात अरे अरे लेकिन सुन तो सही तू। उर्मिला जी। जी आप लोग कौन? हम लोग CID से हैं। क्या हुआ साहब? आप ये बताइए, ये मंजू आपसे क्यों मिलने आई थी? साहब वो मेरे बेटे राजू के बारे में बताने आई थी साहब। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे बेटे राजू को देखा है। मंजू विशाल के यहाँ काम करती थी, उसने जब राजू की हालत के बारे में बताया तो मैं विशाल के घर अपने बेटे को लेने चली गई साहब। आपका बेटा कैसे किडनैप हुआ था? किडनैप नहीं साहब, वो किडनैप नहीं हुआ था साहब, कोई संस्था वाली आई थी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़वाएंगे। मेरी मत मारी गई थी जो उनकी बातों में आ गई, और खुद अपने अपने राजू को उन्हें दे दिया साहब। और इस काम के लिए साहब उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे। तो आप गई थी राजू को लेने के विशाल के घर पे? हाँ सर। और वहां जाके तुमने विशाल का खून कर दिया। साहब मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा, मुझे नहीं पता था। तब बताओ क्या हुआ था वहां पर? साहब मैं अपने राजू को लिया और जैसे उस घर से निकलने लगी तभी विशाल वहां आ गया। इतनी हिम्मत तू यहाँ तक आ गई? हाँ, मैं अपने बच्चे को इस नर्क से निकालने आई हूँ और मैं इसे निकाल के रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तू इधर आ, क्या कर रहा है? उर्मिला तू अगर अभी के अभी यहाँ से निकली ना तो मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चे को मार डालूंगा। विशाल नहीं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विशाल मेरे बच्चे को वापस देता नहीं तो? नहीं तो क्या, मुझे धमकी देती है? वो मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैंने फूलदान उठाया और उसके सर पे जोर से दे मारा। तुमने विशाल को नहीं मारा? लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब तुम्हारा बेटा राजू तुम्हें विशाल के पास से मिल गया तो फिर वो दोबारा गुंडों के हाथ में कैसे पहुंच गया? साहब जब अपने राजू को लेके विशाल के घर से निकली तो क्यों? किधर चली? हाँ मेरे लिए मेरे बच्चे की जान सबसे कीमती है साहब, मैं क्या करती? मेरे राजू को ले गए साहब, ले गए।
देखिए आप हौसला मत हारिए, हम आपके राजू को जल्दी ले आएंगे। इस आदमी को पहचानते हो? अमित नाम है इसका। नो हेल्प, नो हेल्प, मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। साहब आप एक काम करो, यहाँ सामने में एक बंगला है, वहाँ जाके पता लगाओ, वो सब बता देंगे। आप ठीक है, ठीक है। बैठ जाओ, ये लो। जी कहिए। अमित है घर पे? जी नहीं, वो तो नहीं है। कहाँ है? पता नहीं। आप? मैं उनकी पत्नी हूँ। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं, हमें आपके घर की तलाशी लेनी। अरे नहीं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मुझे पराए मर्दों के साथ बात करते देखा ना तो बहुत डांटेंगे। मैडम हमें अपना काम करने दीजिए, आप साइड में हो जाइए। अरे अरे रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए, मैडम आप समझाइए ना। भाई साहब रुकिए भाई साहब। अरे भाई साहब मेरे पति आएंगे ना तो मुझे बहुत मारेंगे। मैडम कम से कम आप तो समझाइए इन्हें। ये औरतों के विग पेंसिलिन वाली सैंडल है, ये इतने मॉडर्न कपड़े, ये अमित की बीवी तो इतने बड़ा घूंघट वाली है, ये पहनती होगी क्या ये सब? ये विग, ये मॉडर्न कपड़े, ये सब किसके? जी वो तो मैं कभी कभी उनके लिए बस। क्यों, क्या हुआ? आप जरा अपना घूंघट हटाएंगे? हे भगवान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पराए मर्दों के सामने अपना घूंघट नहीं उठा सकती। मैं तो औरत हूँ, मुझे दिखा दीजिए अपना चेहरा। नहीं। अरे नहीं, यही है वो गोरा आदमी अमित जिसने विशाल का खून किया, अब खुद मारा गया। सर, हाँ सर, ये देखिए। कहीं राजू तो नहीं है इसमें, या फिर कोई और बच्चा? मैडम मैडम आप ठीक हैं? होश में आइए, ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ। आप है कौन? मैं मंजू हूँ, मंजू। राजू का है? राजू मुझे पता नहीं, वो लोग राजू को लेके गए हैं। मैं बचाने गई थी तो उन्होंने मुझे बांध के यहाँ डाल दिया। तो फिर राजू है कहाँ? इनको अंदर ले जाओ। पंकज एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ये सैंडविच रेस्टोरेंट के इतने सारे बिल्स, मलाड से यहाँ पे खाना मंगवाता था। अरे वो मैनेजर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे कोई काम मिलेगा? सर मुझे इंटर्नशिप करना है। सर मैं फ्री में काम करूंगा सर, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ है। सर यहाँ पे डिलीवरी बॉय बना दीजिए सर, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। इतनी पढ़ाई करके डिलीवरी बॉय का काम करोगे तुम? ठीक है, थैंक यू सर।
सर, दो तीन घर हैं जिन्होंने वो सैंडविचेस मंगाए हैं, जिसका बिल हमें अमित की गाड़ी में मिला है। सर, एक बंगला है सर, जो बहुत ही सुनसान जगह, बहुत सिक्लूडेड है, आसपास कुछ भी नहीं है, वहाँ पे ये सैंडविचेस रेगुलरली डिलीवर हुए हैं सर। वही जगह लगती है, एड्रेस देना उसका जरा। ओके, 13 नंबर ना। एक काम करो, मैं उस एड्रेस से ऑर्डर करता हूँ, तुम डिलीवरी लेकर वहाँ पहुँचो। ओके। यस सर, यस सर। हेलो, हाँ कहिए। 4 सैंडविच, एड्रेस? हाँ, आ जाएगा, जल्दी भेज रहा हूँ। हाँ सुनो बेटा, सर मैं जाता हूँ सर, फ्री में डिलीवरी। हाँ हाँ जाओ, लेकिन डिलीवरी जल्दी करना। यस। हाँ जाओ। मॉर्निंग सर, मैं सैंडविच लाया हूँ आपके लिए। आप लोगों ने मंगाया था ना? हमने कोई सैंडविच नहीं मंगाया था। अरे तो किसी और ने मंगाया होगा। एक मिनट, किसी ने नहीं मंगाया था। चलो चलो यहाँ से। आ गया है तो खाना तो पड़ेगा। रुक जाओ, अगर बच्चे की जान की सलामती चाहते हो तो वहीं रुक जाओ। राजू अभी भी यही है, इसका मतलब डील नहीं हुई है। अच्छा बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, घबराओ नहीं। कौन है सबके पीछे? हमें कुछ नहीं पता, हमें जो बताया जाता है हम वही करते हैं। अच्छा, हम आपको आपकी मम्मी के पास ले जाने आए हैं। सच में अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा बेटा, आपसे एक बात पूछनी। सर मैंने आपको बताया ना, हमारे पास सिर्फ चाबी रहती थी, फिर हमें यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई एक है। हम में से कोई एक? ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहां पे जितने भी लोग हैं उन सब के पास विशाल को मारने के लिए कोई ना कोई वजह है। क्यों मानसी जी? वजह? नो 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 नो, मेरे पास कोई वजह नहीं। वो तो बस विशाल मुझे तलाक देना चाहता था और मैं उसका भांडा फोड़ना चाहती थी, दैट्स इट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसीलिए सबूत इकट्ठा कर रही थी तुम विशाल के खिलाफ? उसका पैसा ऐंठना चाहती थी ना तुम? और जब पैसा नहीं मिला तो खून कर दिया उसका। व्हाट? खून? नो 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 नो, मैंने उसका कोई खून नहीं किया, ये सब झूठ है, ये सब गलत है। उर्मिला जी, आपने हमें कहानी सुनाई, हमने वो कहानी मान ली, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला कि वहां पर आप अकेली थी, जबकि आपके साथ एक और आदमी था। जब अपने बेटे को बचाने की कोशिश में आपने विशाल का खून कर दिया। नहीं साहब, ये झूठ है, मैं सच्ची बोली आपको। साहब मुझे नहीं पता विशाल का खून किसने किया है, मैं बस वहां अपने बच्चे को बचाने गई थी साहब, बस। और मंजू, तुम तो विशाल से नफरत करती थी, तुम्हारा पेमेंट जो काटा था उसने, इसलिए उसके घर की ड्यूप्लीकेट चाबी बनाकर खून कर दिया उसका। नहीं मैडम, आई ची शपथ,
मैंने नहीं मारा विशाल साहब को, वो चाबी तो मैंने उर्मिला को देने के लिए बनाई थी। अच्छा तो चलो, सबने तो अपनी अपनी सफाई दे दी, अब बची आप। भाभी जी आपका क्या कहना है? वैसे आप भी विशाल जी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं कि उनकी बीवी वो भी नहीं जानती है ना, तो क्या जरा बताइए ना हमें, क्या क्या रिश्ता था आपका और विशाल जी का? सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपको बताया ना सर, विशाल जी हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी थे। सर मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खा सकती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। सोना बोलो ना। हाँ सोना जी बोलिए, आप तो एकदम चुप हो गए हैं, कुछ बोलिए। बोलता हूँ ना, ये ठीक कह रही है सोना, हम लोग तो सिर्फ अच्छे पड़ोसी थे। अच्छे पड़ोसी थे तुम लोग, तो फिर बताइए ललित जी कौन खून कर सकता है इनमें से? हाँ ये मंजू होगी, बच्चे को लेने गई थी और विशाल को मार दिया। अच्छा लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, विशाल का खून किया नहीं है, करवाया गया है। मालूम है किसने करवाया? क्या पूछना है अंकल? ये बताओ कि जब आप विशाल के घर पर थे तभी वहां पर आपने किसी और को देखा उसके साथ? हाँ। आप पहचानते हो उसे? हाँ। तुमने? मैंने पैसों के लिए बच्चों को बेचा, मुझे पैसे कमाने थे। पैसे कमाने थे तो कुछ भी करेगा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से दूर रखा तुमने, पैसों के लिए इतना घिनौना काम किया। और जब मंजू ने राजू को पहचान लिया तो तुमने मंजू को भी मारने की कोशिश की ताकि वो तुम्हारे बारे में किसी को ना बताए। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। अपने आसपास हो रहे अपराध और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत बहादुरी का काम होता है, और ये बहादुरी मंजू तुमने दिखाई, जिसकी वजह से राजू की जान बच गई। माँ मैं भी एक दिन दया अंकल जैसा बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। दया अंकल प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मिलने आते रहेंगे। अरे हाँ बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं मिलने आता रहूंगा। ये राजू तुम तो बड़े ही बहादुर निकले यार, गुंडों के साथ रह के भी बिल्कुल डरे नहीं। जो बच्चा दया का दोस्त होता है कभी नहीं डरता है। हाँ,